आई एम मोहम्मद अज़हरुद्दीन शेख। आज हम देखेंगे MSCIT एरा का सेशन एंड टेस्ट नंबर 46। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, यूज़ अप्रोप्रिएट स्टेप्स टू इंसर्ट एन ऑडियो क्लिप इन द गिवन पावर पॉइंट स्लाइड। हमें इस पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन में ऑडियो क्लिप इंसर्ट करना है। उसके लिए हम मेन्यू बार से इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे और वहां से ऑडियो पर क्लिक करने के बाद ऑडियो और माय पीसी पर क्लिक करके यहां से हम एक म्यूज़िक टैब में जा सकते हैं, माय म्यूज़िक। तो यहां से हम एक म्यूज़िक सेलेक्ट कर लेंगे, इंसर्ट करेंगे। वो म्यूज़िक यहाँ पर इस तरह से इंसर्ट हो गई है। तो इस तरह से हमने स्टेप्स अप्लाई की है इंसर्ट करने एक ऑडियो क्लिप इस दिए हुए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। इसे हम यहाँ से सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज़ अप्रोप्रिएट रिबन टैब ऑप्शन टू स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड। हमें यहाँ से इस प्रेजेंटेशन को शो करना है। अब तो शो करने के लिए हम रिबन टैब ऑप्शन से या मेन्यू बार से स्टार्ट कर सकते हैं स्लाइड शो फर्स्ट स्लाइड से। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो मेन्यू बार या रिबन टैब से हम जाएंगे स्लाइड शो के ऑप्शन में। यहाँ से स्लाइड शो के ऑप्शन में आने के बाद सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ से फ्रॉम बिगनिंग, यानी कि शुरू से, उसका शॉर्टकट F5 है। तो यहाँ से सवाल वही दिया है कि स्टार्ट कीजिए स्लाइड शो फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड, तो वो बिगनिंग से हम यहाँ पर से ऐसे स्टार्ट करेंगे, फुल स्क्रीन में वो आ जाएगा, उसे हम फिर सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू सेव द गिवन प्रेजेंटेशन एज पावर पॉइंट शो। आप इस प्रेजेंटेशन को पावर पॉइंट शो के तौर पे कैसे सेव करेंगे, उसके लिए हमें जाना होगा सबसे पहले फाइल मेन्यू में। वहाँ से हम सेव पर जाएंगे। सेव पर जाने के बाद यहाँ पर पूछेगा कंप्यूटर में कौन सी लोकेशन पे आपको सेव करना है। तो हम यहाँ से ब्राउज़ पर क्लिक करेंगे। ब्राउज़ पर क्लिक करने के बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरीज़ के डॉक्यूमेंट्स में जाएगा, जो कि यहाँ से भी देख सकते हैं हम डॉक्यूमेंट्स। उसको फाइल नेम हम दे देंगे यहाँ से पावर पॉइंट शो। तो यहाँ पर हम लिखते हैं लेकिन जैसे इसमें एग्ज़ाम में भी जैसे लिखा होता है कैपिटल स्मॉल, उसका हम केयर करते हुए पावर पॉइंट शो उसी तरह से लिखेंगे, सेम जैसे हमें लिखने का क्वेश्चंस है। इसे करने के बाद हम उसे सेव करेंगे और सबमिट कर देंगे। एक मर्तबा फिर से ये करना है। हमें जाना होगा फाइल ऑप्शन में, फाइल बटन पर। वहाँ से हम सेव करेंगे। सेव में से ब्राउज़ करना है। ब्राउज़ करने के बाद यहाँ पर से हम उसका नाम दे देंगे पावर पॉइंट शो। ये देने के बाद हम सेव जैसे करेंगे तो हमने जैसे पहला नाम दिया था वो कहेगा कि ये नाम का ऑलरेडी एग्जिस्ट है, आपको इसे रिप्लेस करना है। तो हम इसे यस कर देंगे और सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉड्यूलेशन इज द नेम ऑफ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल्स इनटू एन एनालॉग सिग्नल। इससे पहले हमने जो एग्ज़ाम दिया था लर्निंग फैसिलिटर्स का, उसमें हमने मॉड्यूलेशन को एनालॉग टू डिजिटल वाला किया था, तो डिजिटल टू एनालॉग वाला वो रहेगा। तो ये ट्रू है, मॉड्यूलेशन डिजिटल टू एनालॉग, यानी कि डिजिटल सिग्नल्स यानी जो कंप्यूटर जनरेटेड होते हैं 0-1 इस फॉर्मेट में, और एनालॉग ये ह्यूमन वॉइस से बनते हैं एनालॉग सिग्नल्स। तो इसे हम ट्रू करेंगे। नेक्स्ट है,
डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल्स इनटू डिजिटल सिग्नल्स। अब ये उल्टा है, पहले डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स था, अब एनालॉग सिग्नल्स इनटू डिजिटल सिग्नल्स है। तो इनमें से क्या है, ट्रांसपोर्टिंग, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, ड्राइवर्स। मॉडेम जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, और जो कन्वर्ट करता है दोनों सिग्नल्स को, और यहाँ से एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम कहेंगे डीमॉड्यूलेशन। ह्यूमन वॉइस टू डिजिटल सिग्नल्स, डीमॉड्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन DSL यूजेस स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइंस टू प्रोवाइड हाई स्पीड कनेक्शंस। DSL जो है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, उसमें यूज़ होता है स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइंस, उसके ज़रिए वो प्रोवाइड करते हैं हाई स्पीड के कनेक्शंस। तो हम इसे यहाँ से ट्रू करेंगे, क्योंकि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइंस में यूज़ होती है टेलीफोन लाइंस हाई स्पीड में कनेक्शंस प्रोवाइड करने में। तो यहाँ से हम ट्रू कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वायरलेस मोडेम इज ऑल्सो नोन एज अ WWAN, यानी कि वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क मोडेम। तो सवाल का मतलब यह है कि एक वायरलेस मोडेम जो है उसे दूसरा नाम WWAN यानी कि वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क इस नाम से भी जाना जाता है। नेटवर्क्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि LAN यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, जो होम या ऑफिस की हद तक रहेगा एक सीमित जगह पर। उसके बाद WAN जो होता है ये वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ये थोड़ा सा बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क सिटी की हद तक हो सकता है, फिर मेट्रोपॉलियन नेटवर्क, इस तरह से नेटवर्क्स है बहुत, इसमें दो चार किस्म हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं। उसके बाद भी उनके टाइप्स अलग अलग, जैसे कि WWAN यानी कि वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क। तो इस तरह से नेटवर्क्स के टाइप्स भी MSCIT के बुक में दिए हुए हैं, और ये आगे चलकर आपको कहीं ना कहीं काम में आ सकते हैं, तो उसे भी आप अच्छे से स्टडी कीजिए। तो यहाँ से हम इसका जवाब लेंगे ट्रू, एक वायरलेस मोडेम को एक WWAN नाम से भी जाना जाता है, यानी कि वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क मोडेम से। तो हम इसे यहाँ से ट्रू कर देंगे। चलते हैं रिवीजन की तरफ। हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उनके एक मरतबा हम रिवाइज़ करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन था कि यूज़ अप्रोप्रिएट स्टेप्स टू इंसर्ट एन ऑडियो क्लिप इन द गिवन पावर पॉइंट स्लाइड। हमें एक ऑडियो क्लिप डालना था पावर पॉइंट स्लाइड में, तो हम इंसर्ट में आकर ऑडियो क्लिप लेकर उसमें इंसर्ट कर चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था यूज़ अप्रोप्रिएट रिबन टैप ऑप्शन टू स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड। हमें फर्स्ट स्लाइड से अपना प्रेजेंटेशन दिखाना था, प्ले करना था, उसके लिए मेन्यू बार या रिबन टैप से स्लाइड शो में गए, वहाँ से हमने फ्रॉम बिगिनिंग लिया, तो उस तरह से पहली स्लाइड से चालू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाउ विल यू सेव द गिवन प्रेजेंटेशन एज पावर पॉइंट शो। तो हम यहाँ से फाइल ऑप्शन से सेव में गए, सेव से हमने ब्राउज़ किया, और वहाँ पर हमने नाम डाला पावर पॉइंट शो, और उसे हमने सेव कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन था, मॉड्यूलेशन ये एक नाम है प्रोसेस का जो कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में, यानी कि कंप्यूटराइज सिग्नल जीरो वंस को ह्यूमन सिग्नल्स में। तो ये हमने सही किया ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें से कौन सी प्रोसेस है कन्वर्ट करने की एनालॉग सिग्नल्स इनटू डिजिटल सिग्नल्स में। तो हमने डीमॉड्यूलेशन लिया, डीमॉड्यूलेशन एक प्रोसेस है जिससे हम कन्वर्ट कर सकते हैं एनालॉग सिग्नल्स ह्यूमन सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स या कंप्यूटराइज सिग्नल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइंस DSL यूजेस स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइंस टू प्रोवाइड हाई स्पीड कनेक्शंस। DSL जो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइंस होते हैं वो स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइंस के कनेक्शंस प्रोवाइड करते हैं हाई स्पीड में डेटा देने के लिए। तो इसमें हमने ट्रू किया है, इसका ट्रू था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
A wireless modem is also known as WWAN, wireless wide area network modem. तो हमने इसका true किया है. तो हम करते हैं इसे session and test. Next video में हम देखेंगे next session का take a challenge और session and test. Thank you.